मोहन राज को करन मन करु महान यह का आत्म ज्ञान के प्राप्ति है मंगलमय सुख सा मंगलमय सुख सा। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती,
और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रत्येक आत्मा में ऐसा ही परमात्म तत्व दिखाई देता है, जैसा परमात्म तत्व निर्विकल्प अनुभूति के काल में यहाँ अंतर में अनुभव में आया था। और प्रत्येक आत्मा में वह परमात्म दृष्टि प्रकट होती है, फिर भले ही वे परमात्मा इस राख की दीवार के पड़ोस में हो, स्वभाव से उस द्रव्य की अनुभूति होने के पश्चात ऐसा ही स्वभाववान द्रव्य किसी और परद्रव्य की संगति में होने पर भी वो वही दिखाई देता है जैसा यहां अनुभव में आया। घी का अनुभव होने के पश्चात मिट्टी के साथ मिला हुआ जो घी है, उस घी को देखते समय भी यहाँ जो अनुभव में आया था ऐसा ही घी वहां दिखाई देता है। भले ही घी वर्तमान में मिट्टी के साथ मिला, भले ही वह घी मिट्टी के साथ में मिला हुआ रहकर भी उसे आग के ऊपर रखा है, भले ही वह घी मिट्टी के साथ है, आग के ऊपर है और वह घी गर्म है, फिर भी जिसने घी के स्वरूप के निकट जाकर घी का अनुभव किया, उसके लिए जो घी मिट्टी के साथ मिला है, जो घी आग के ऊपर है, जो घी अभी उष्णता को प्राप्त है, उस घी को भी वह ऐसे ही देखता है कि थोड़ी देर पहले मुझे जो घी का अनुभव हुआ वह घी का स्वभाव था कि वह घी चिकना था, वह घी गर्म नहीं था, वह घी आग के ऊपर नहीं था, वह घी मिट्टी के साथ मिला नहीं था, फिर भी वह घी मुझे चिकना अनुभव में आया। ऐसा ही घी जो चिकना अनुभव में आया, ऐसा ही मिट्टी के साथ मिला हुआ आग के ऊपर गर्म होता हुआ वह घी उसे चिकना स्वभाव वाला वह दृष्टि में आता है। और ऐसा ही निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप है कि जिस समय के पर्याय में चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, उसके पश्चात फिर इस देह को ऐसा देखा, फिर पराये देह को भी ऐसा देखा, ये राख की दीवार, ये मिट्टी, उस मिट्टी के साथ में ये परमात्मा तत्व है और कर्म के उदय है वह आग और घी गर्म होता है। ऐसे ही आत्मा में राग और द्वेष के विकारी भाव होते हैं। राग और द्वेष के विकारी भाव जो कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, आग के निमित्त से घी गर्म तो होता है मगर चिकना स्वभाव उसका छूट नहीं जाता। कितना ही वह घी गर्म हो जाए और मिट्टी के साथ में मिला हो, वह चिकना सदा चिकना रहेगा। और ऐसा ही ये चैतन्य स्वरूप अज्ञानियों की भीड़ में भी इस राख की दीवार के साथ में कर्म के उदय के काल में और विकारी भावों की उत्पत्ति होने पर भी
ज्ञानी को प्रत्येक आत्मा में वो परमात्म तत्व दृष्टि में आता है। ऐसा जो परमात्म तत्व उन्हें दृष्टि में आता है, उनका जोर उस राख की बनी दीवार पर नहीं, कर्म के उदय पर नहीं और उन भावों पर नहीं। और जब ऐसी दृष्टि प्रकट हुई कि सभी आत्मा परमात्मा है और ऐसे ही है जैसा मैं, तब फिर मैं किसको प्रभावित करूं, क्योंकि वह तो मेरे जैसा ही है। मैं किससे प्रभावित हो, क्योंकि वो तो मेरे जैसा ही है। तब दूसरों को प्रभावित करने की और दूसरों से प्रभावित होने की वो वृत्ति ही मिट जाती है। और इसलिए हे ज्ञान दीपक, ऐसी दृष्टि किस प्रकार से प्रकट होगी, उसके लिए मैं तुम्हें आज तुम्हारा 46वां लक्षण कहता हूं। तुम्हारा 46वां लक्षण है तुम निर्मोही होना। ज्ञानी पानी में चल जाते हैं, पानी को छूते नहीं है और पानी ज्ञानी को छूता नहीं, क्योंकि पानी जिसको छूता है ज्ञानी उसको ही छूते नहीं है। इसे राख की दीवार को ही जब छूते नहीं है तो वो पानी को छूने कैसे जाएंगे। श्रद्धा में ये टंकोत्कीर्ण हुआ, ये स्थापित हुआ, प्रति समय जागृति है। विकारी भावों की उत्पत्ति के काल में, क्रोधादि भावों की उत्पत्ति के काल में ये जागृति है। वो अछूता जो स्वभाव है, वो स्वभाव प्रति समय उनकी दृष्टि में है। हे ज्ञान दीपक, तुम निर्मोही होना। मोह को छोड़ने के लिए मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम मोह को छोड़ना, सिर्फ और सिर्फ इतनी जागृति बनी रहे कि जहां चैतन्य की सत्ता है वहां मोह नहीं है। और वहां मोह नहीं है, ऐसा जैसे ही तुमने उस चैतन्य सत्ता का अनुभव किया कि जो पर्याय में मोह था वो भी नहीं रहा, तुम निर्मोही हुए। मोह को दूर करने से वो मोह दूर होता नहीं, मगर उस ज्ञान स्वभावी चैतन्य की और दृष्टि जाते ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है। मोह मेरा नहीं है, मगर मोह मेरा नहीं है ये देखने पर भी मोह दूर नहीं होता। मोह को दूर करने के भाव से भी मोह दूर नहीं होता। जिस समय की पर्याय में ये आत्मा निर्मोही होता है, उस समय मोह है और मोह को दूर करूं वो भी भाव नहीं। और ये मोह मेरा स्वरूप नहीं, इससे भी वो निर्मोही तो होता ही नहीं, क्योंकि मोह घना अंधेरा है। और ये अंधेरा ऐसा अंधेरे को देखने मात्र से कभी अंधेरा दूर होता नहीं। दीपक प्रज्वलित हो कि अंधेरा दूर होता है, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही वो मोह का अंधेरा दूर होता है। उस समय तुम्हें ये विकल्प नहीं कि ये मोह को दूर कर, ये मोह मैं नहीं। जिस समय 4 बजे तुम्हें आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई, चार बजे निर्विकल्प अनुभूति होते हैं। आह्लाद स्वरूप आनंद की अनुभूति,
अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती। जब 4 बजे अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हुई, गहराई से देखो तो अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति नहीं होती। उसके थोड़े रहस्य तुम समझ लो, उपयोगी होगा। क्योंकि आत्मा का जो आनंद है वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं। अनुभूति का जो आनंद है वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं, आनंद मात्र। कोई अतीन्द्रिय आनंद नहीं। उसका कारण मैं आपको कहूं कि जब मैं ये कहता हूं कि मुझे अभी 4 बजे आत्मा की अनुभूति हुई और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तब एक दूसरा विकल्प खड़ा होता है कि एक तो आपने अतीन्द्रिय आनंद कहा, तब एक विकल्प ऐसा खड़ा होता है कि इंद्रिय आनंद नाम का कुछ होता है जो नहीं था। इंद्रिय आनंद भी आनंद है यह सिद्ध हो गया, क्योंकि एक पक्ष खड़ा हो गया इंद्रिय आनंद। जब इंद्रिय आनंद ही नहीं है तो फिर यहां अतीन्द्रिय ये शब्द लगाने की जरूरत ही कहां। मात्र आनंद अतीन्द्रिय भी नहीं, क्योंकि जब मैं यहां कहूं कि यहां बैठे हुए जो लोग हैं ये पागल लोग नहीं है, इसका मतलब कि और बाहर बैठे पागल हो सकते हैं, तभी तो ये पागल नहीं है। कोई पागल है, उनको मना करने के लिए मुझे ये कहना पड़ा कि यहां है वो पागल नहीं है। जब मैं कहता हूं अतीन्द्रिय आनंद, तब इंद्रिय आनंद जैसा कुछ होता है, और इंद्रिय आनंद आनंद नहीं, वो तो दुख है, वो आनंद ही नहीं। और इसलिए अनुभूति अतीन्द्रिय ऐसा कोई भेद नहीं। अतीन्द्रिय का भेद वो इंद्रिय के भेद को सिद्ध करता है, वहां मात्र आनंद है, वो पार, इंद्रियों से पार है, मन से पार है। आह एक्सपीरियंस, आह एक्सपीरियंस। डॉक्टर ग्रीन अमेरिका में जो कहा आह एक्सपीरियंस, एक ऐसी अनुभूति, आह एक्सपीरियंस। ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, अभी अभी मुझे यह स्मरण में आ रहा। 18 की साल 1 तारीख 1 जनवरी से ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन प्रारंभ हुआ। 18वीं साल का अर्थ है आह, क्योंकि 1 8 एबीसीडी में ए माने 1 और एच माने 8। आह आह एक्सपीरियंस के लिए ये 2018 से जो चालू हुआ ये कार्य, आह उसको आह आह ज्ञान दीपक, वो अतीन्द्रिय आनंद मात्र आनंद। कुछ बोलना न रहा, कहना न रहा, कौन समझेगा, किसको कहो, जिसको कहो न समझेगा, समझने वाला बिना कहे समझेगा, फिर क्या कहो। तब अनुभव मात्र, वो जो दशा है निर्मोही। फिर तुम देह को छोड़ते नहीं, कपड़ा तो वहां पास में ही पड़ा था, जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई तुम निर्मोही हुए। सारा जगत शून्य हो जाए,
फिर भी उस समय ऐसी जागृति, अभी मैं आप सबको देखता हूं, अभी आंख बंद हुई, आंख खुली, सभी की लाशों को मैंने देखा और तब भी यह जागृति, इस सत्ता की जागृति। और मैं तो आपके बारे में कहा सारा जगत शून्य हो जाए तब भी यह जागृति शून्य हो गया, यह हो गया होने वाले को जानने वाले की सत्ता का अनुभव कि मैं यहां। अपने साथ रहने को जो प्रति समय तैयार हो गया, जिसने अपने साथ ही इतना संतोष पा लिया कि अब किसी भी परद्रव्य की सत्ता रहे या न रहे उससे कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा कभी होगा नहीं कि सारा जगत शून्य हो जाए, मगर आपकी दृष्टि और आपकी श्रद्धा इतनी बलवान हुई कि अब पर से कोई प्रयोजन ही न रहा। जमीन पर चलते हो, चप्पल नहीं पहने, जूते नहीं पहने, गर्म जमीन पैर को छूती है मगर तुम्हें वो छूती नहीं। जागृति पूरी तरह से, उस समय इतना जोर अलिप्तता का, जैसे 12 बजे एक रोटी बनाने के लिए रोटी को तवे पर रखा, आटा था उसका गोला लिया, कच्ची रोटी है अभी तवे पर रखा, 12 बजे वो रोटी को तवे पर रखा गया, रोटी गर्म होती गई। अब गर्म हुई, वो गर्म किस लिए हुई कि वो तवा गरम था इसलिए रोटी गरम है? नहीं, उस रोटी के परमाणु की योग्यता ही ऐसी पकी कि उसे गरम होना था 12 बजे, तब ये तवा गरम उसे निमित्त के रूप में मिला, मगर तवे के कारण ये रोटी गरम नहीं हुई, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। और जैसे तवा गरम है उसके कारण रोटी गरम नहीं हुई, ऐसे ही नीचे आग है उसके कारण ये तवा गर्म नहीं हुआ। और जब दोनों की स्वतंत्रता को ऐसा देखा, जब पैर में चप्पल नहीं और जमीन गर्म है और ये पैर के परमाणु ये गर्म हो रहे हैं, तब ये जागृति कि ये जमीन गर्म है और ये उसके कारण ये पैर के परमाणु गर्म हो रहे हैं, नहीं, ये परमाणु का गर्म होना ये स्वतंत्र है। और जब ये जमीन के परमाणु और ये पैर के परमाणु उनके बीच में इतनी स्वतंत्रता है, तो ये गर्म का जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान और ये जमीन के परमाणु का गर्म होना, पैर के परमाणु का गर्म होना, उस ज्ञान का जानने रूप परिणाम होना, ये सब स्वतंत्रता उसे दिखाई देती। तब एक का आरोप दूसरे पर लगता नहीं, अलिप्त रहता है कि किसी ने मुझे छुआ नहीं। उस चैतन्य के शुद्धता और ज्ञान की नित्यता को राग का विकार को छूता नहीं तो देह के परमाणु कैसे छूने जाएंगे? वो राग का भाव जो है, वो राग का भाव चैतन्य को छुए, एक समय का वो राग का विकार उस चैतन्य को छू ले तो चैतन्य ही मलिन हो जाए। एक अनछने पानी की बूंद छने पानी में गिरे, सब पानी अनछना हो जाए। जहर की एक बूंद यदि खीर में गिरे, वो कितने किलो हो, मगर वो खीर नहीं,
वो जहर हो गया। इसलिए ज्ञानी को ये जागृति है, बोलने का भाव आता है, ये कमजोरी है कि ये बोलने का भाव आता है। खेद प्रति समय बना रहता है कि कब इन भावों से भी छुटकारा हो, ये भाव आता है। अब कब ये बोलना भी बंद हो गया, भावना तो यही बात है, ये कमजोरी है मेरी की, कमजोरी है कि ये बोलने का विकल्प आता है। खेद बना रहता है। ज्ञानी जिस जंजीर से बंधे है वो जंजीर तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देती। अंतरंग में मुक्ति का अनुभव हुआ, उन्होंने ही जाना कि बंधन क्या है। बचपन से जो बंधन में ही रहा उसे बंधन का एहसास नहीं, एक समय के लिए उस मुक्ति स्वरूप या चैतन्य की अनुभूति हुई और फिर भी यहाँ इस राग के विकल्पों के साथ में बंधा। ज्ञानी वही जानता है ये बंधन क्या है। दृष्टि में मुक्त है और ज्ञान में बंधन है, और भावना है इन बंधन से छुटने की। तुम तैयारी करना, जल्दी जल्दी थोड़े कदम तेज करके अब तुम जल्दी करना। असंख्य प्रदेशों पर व्याप्त में चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा एक उसके साथ साथ पूर्व में किए हुए कर्म के उदय से ये होने वाले राग और द्वेष के भाव ये उत्पन्न होते हैं क्योंकि कर्म का उदय अभी ऐसा चल रहा है। कर्म का उदय अभी ऐसा चल रहा है इसलिए भाव तो होंगे, मगर ये जरूरी नहीं है कि कर्म का उदय तुम्हारा चल रहा है तुम्हें भाव हो ही हो। यदि कर्म के उदय के कारण तुम्हें भाव होते ही रहे तो कभी मुक्ति होगी ही नहीं, क्योंकि कर्म का उदय तो सदा ही रहता है और भाव भी होते रहेंगे। भाव से बंधन होगा, बंधन से फिर उदय होगा और उदय से भाव होगा, तो कभी मुक्ति न होगी। इसलिए ये पुरुषार्थ बलवान है। ये सच है कि जहां भाव होते हैं वहां कर्म का उदय होता है, मगर कर्म के उदय है इसलिए भाव होंगे ये जरूरी नहीं है।
यह सत्य है कि जहां दुआ है वहां आग होती है, मगर जरूरी नहीं कि जहां जहां आग हो वहां धुएं को होना ही पड़े। जब भी कर्म का उदय हो तब जरूरी नहीं कि भाव को होना ही पड़े। और ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ कि तुम मोह से निवृत्त होते, उदय में मिलते नहीं, बहाने बनाते नहीं कि यह उदय ऐसे चल रहे, कोई उदय पुरुषार्थ की कमजोरी। ये कोई उदय नहीं, चेहरे पर तुम्हें पसीना हुआ और बार बार रुमाल से पोछने का भाव आता है, क्या मर जाओगे यदि नहीं पोछोगे थोड़ी देर? तो कपड़े पर मक्खी बैठती है और उड़ा देने का भाव आता है, थोड़ा निरीक्षण तो करो क्या होता है। उदय ऐसे तुम्हारे लिए सिगड़ी की बात तो की नहीं, ये तो कहा नहीं कि शेर आएगा और शरीर को खाएगा, मगर छोटी छोटी घटना से इस देह को दाव पर लगाने का प्रयोग किया जाए। चारित्र मोह तो रहेगा, जब मैं तुम्हें निर्मोही कहूं तब दर्शन मोह समझना, दर्शन मोह से मुक्ति तुम निर्मोही हो, पर दर्शन मोह छूटने के बाद चारित्र मोह छूटने में इतना समय नहीं। सूर्यास्त तो हो चुका, अब पत्थर को ठंडा होने में देरी न लगेगी, सूरज की किरण ही पड़ती बंद हो गई उस पत्थर पर, पर उस पर वो सूर्यास्त तो हो, वो किरण उस पर पड़ती है वो तो बंद हो, और वही ये जागृति। ये जरूरी है प्रति समय इस प्रयोग की। किसी साथीदार को काम पर रखा, अपने घर में रहकर के वो काम करता, काम खुद का करता, झाड़ू लगा देता, पोछा लगाता, मगर वो खुद का काम करके भी वो मेरे लिए काम करता है। ये जागृति प्रति समय बनी रहे, इस देह में ये रक्त वहन हो रहा, जब इस बहते हुए दौड़ते हुए खून को मैं देखूं ऐसा ही लगे कि मेरे लिए चैतन्य के लिए ही अब इस खून का बहना दौड़ना हो रहा। एक एक परमाणु की ये जो गति हो रही है अब ये चैतन्य के लिए ही हो रहा, आत्म साधना के लिए ही ये हो रहा। ये जो हवा अंदर गई और अंदर से बाहर आ रही, बस आए अंदर उतने समय में उस चैतन्य की जागृति के बल पर परिणति निर्मल हो, मगर देह की क्रिया के काल में तुम्हारी चैतन्य की जागृति पर वो जोर ही नहीं है।
तुम व्यवहार के नाम पर अपने को ठगते हो, व्यवहार के नाम पर अपने को ही ठगते हो। समय पर भोजन दे तो देते हो, जागृति की कोई सुगंध नहीं, कोई जागृति नहीं। वो तो तुमने सुन लिया कि देह को भोजन दे देना पड़ोसी है, मगर जागृति की बात न सुनी। तुम अपने आप से पूछो, दिन में कितने देर के लिए तुम्हें जागृति रही? खाना एक भी दिन न छूटा, मगर जागृति के लिए उतनी जागृति रही? कि तुम ज्यादातर वही पकड़ लेते हो, तुम्हें पुष्ट करने को वो मिल जाता है। जब कोई ज्ञानी कहे कि तुम देह को भोजन दे देना, देह से शत्रुता मत रखना, तुम्हें मौका मिला, अच्छा किया, अच्छा सुनने को मिला, क्योंकि वही तुम्हें करना था और वही तुम्हें सुनने को मिला। मगर उसके साथ में जो कहा था वो तो तुम्हें दिन में कभी याद ही ना आया, और याद आया तो भी ऊपर ऊपर से, यदि न आया तो भी इतना खेद नहीं जितना भोजन छूटने का खेद। धर्म को सुनकर के भी जीव स्वच्छंदी ही हुआ। इसलिए जिस दृष्टिकोण से मैं आपको कहता हूं कि तुम निर्मोही होना, छल मत करना वितरागी भगवान की वाणी के साथ। इस वितरागी वाणी और ये जिनवाणी माता के साथ में तुमने बहुत बड़ी माया और कपट किया कि सुनकर के तुम्हें जो अच्छा लगता था वो तुमने किया, और बाकी सब तुमने एकांत का पोषण किया। जागृति प्रति समय रहे, दृष्टि इतनी निर्मल हुई कि अब इन परमाणुओं से, उनके साथ रहते हुए जैसे कोई मुर्दे की क्रिया हो रही, साक्षात मुर्दा रॉबर्ट जैसी क्रिया, रॉबर्ट में कुछ भी प्राण नहीं, जान नहीं, वो क्रिया हो रही है। उस क्रिया के काल में भी ये जागृति के मैं वहां पर नहीं, थोड़ा इतिहास ही तुम्हें साफ करने को कहता हूं। कल मैं इस गली से गुजरा था, कल मुझे मेरा मित्र मिला था, कल मैंने ये खाया था पिया था, कल मैं ये बोला था। ये जो तुम्हारे मन में ये जो बार बार स्मरण आ रहा है, ये बार बार जो स्मरण आ रहा है, बस ये थोड़ा सा ही स्मरण है। जब चैतन्य तत्व की जागृति रहे तुम्हारे साफ हो जाएगा क्या? तो एक ही मैं सत्ता मात्र, और सत्ता मात्र तुम कभी बोलना भी मत, तुम बोलना भी मत तब तक जब तक तुम्हें अनुभव न होगा, क्योंकि तुम्हारा बोलना वो व्यर्थ होगा, वो उधार होगा, वो भीख से मांगा होगा और दूसरे को प्रदर्शन करना होगा। किसी की भीख मांग करके किसी के सामने प्रदर्शन नहीं किया जाता। तुम्हारी तो कोई संपत्ति नहीं, तुमने तो कुछ पाया ही नहीं, सिर्फ सुना और बोला मैं चैतन्य, तुम बोलना भी मत। मैं शुद्धात्मा हूं ये तुम मत बोलना। मैं शुद्धात्मा हूं ये तुम मत बोलना, वो उधार होगा, तुम्हारा बोलना उधार होगा।
और किसी की उधार संपत्ति को लेना इतनी बड़ी चोरी नहीं। ये वाणी को उधार ले लेना और बोल देना ये बहुत बड़ी चोरी है। इसलिए अज्ञानी को अधिकार नहीं कि वो कुछ कहे कि स्वरूप कैसा है, कि जिसने जाना ही नहीं। अंधा आंख के बारे में क्या जाने, अंधा दूसरों की आंख का ऑपरेशन करने जाए ये ठीक नहीं। इन परमाणुओं को तुम जब तक इतना न्यारा न देख लो तुम मत बोलना कभी। तुम्हें बोलने को मना कर रहा हूं, दूसरे को बोलने दो। दो को ही बोलने का अधिकार है, या ज्ञानी बोलेंगे या फिर मुर्दा बोलेंगे। सामने जो ज्ञानी है वो ज्ञानी बोलेंगे या फिर मुर्दा बोलेगा, मगर तुम तो बोलोगे ही नहीं। अनुभूति जब तक नहीं होती तब तक ज्ञानी को बोलने दो, और अनुभूति के बाद में बोलना पड़े तब मुर्दे को बोलने दो। मगर तुम्हें तो बोलना ही नहीं है, तुम तो ज्ञाता दृष्टा सदा वही। उस दशा का प्रकट होना तुम निर्मोही, किसी को भी कुछ कहने योग्य न रहा, ये दिखाने योग्य न रहा। किसे दिखाओ कि मैं क्या हूं? तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। ये कहने वाला खुद ही जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, कि जिसने ये जाना वो बोलता भी नहीं है कि तू जानता नहीं है मैं कौन। तू जानता है, जाना निर्मोह, दूसरों को प्रभावित करने योग्य कुछ भी न रहा। अनंत सिद्धों के ज्ञान में यह जानने में आ रहा है कि मैं कौन हूं और मैंने स्वयं को जाना। ज्ञानी होने के लिए दूसरों के प्रमाण पत्र की तुम्हें जरूरत नहीं है, पंचायत इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, मतदान करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और तुम्हें कहा कि ये तुम ज्ञानी हो, ये तुम्हें जरूरत नहीं। जब तुमने पाया किसी की जरूरत नहीं, मगर ये कहने की भी तुम्हें जरूरत नहीं कि मैंने पाया। परम कृपालु देव की उस दशा को देह होने पर देहातीत दशा का जितनी अनित्य, ये हवा के परमाणु सांस लेते समय, हवा के परमाणु जितने अनित्य है सांस लेते समय, उतने ही अनित्य परमाणु, ये परमाणु मेरे निकट आए हैं और ये परमाणु मुझसे दूर जाएंगे। ये शरीर के परमाणु मेरे निकट आए हैं, ये शरीर के परमाणु मुझसे दूर जाएंगे।
जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई तब दृष्टि ऐसी होती है कि न तो निकट आए है न दूर जाएंगे, क्योंकि ये जागृति प्रति समय रहती है कि कोई भी पर द्रव्य मेरे निकट नहीं आता। रोटी पहले वहां थी थाली में और खाया रोटी को कि वो रोटी पेट में गई और वो शरीर बन गई, वो मेरे नजदीक में आया, मेरे निकट आया वो परमाणु नहीं। ज्ञानी की दृष्टि साफ है, वो कैसी उसके बारे में मैं आपसे कहूं। निर्मोही का भाव तुम्हें समझ में आया, बेटा अमेरिका में, माँ ज्ञानी है भारत में, मृत्यु की घड़ी में बेटे को भारत बुलाया, बेटा अमेरिका से भारत आ रहा और ये जागृति कि बेटा निकट नहीं आ रहा, और ये जागृति कि जितना दूर था जब अमेरिका में था उतना ही दूर अभी भी है, भले ही पास में आकर के बैठा हो। इस जागृति और इस दृष्टि का नाम ही सम्यक दृष्टि है और यही निर्मोही अवस्था है। उसका कारण है कि इतने हजारों मील दूरी तय करके जो बेटा आया तो भी वो नजदीक नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि जो कुर्सी 10 मीटर की दूरी पर थी और दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही थी, अब 1 मीटर की दूरी पर वो कुर्सी आ गई तब भी वो दर्पण के निकट नहीं आई। कि दर्पण की स्वच्छता जो है उस स्वच्छता को क्या लेना देना कि 10 मीटर है, स्वच्छता स्वच्छता उस स्वच्छता का 10 मीटर 1 मीटर से कोई संबंध ही। और ऐसी ही ये चैतन्य की स्वच्छता जब तुम्हारी दृष्टि में आए तब ये कोई शरीर के परमाणु मेरे निकट नहीं आए, और इसलिए ये परमाणु मुझसे दूर चले जाएंगे, जब आए ही नहीं तो दूर जाएगा कौन। हे ज्ञान दीपक, उस स्वरूप की अनुभूति के बल पर तुम निर्मोही होना। जब ये अनुभूति हुई तब सहज ही वो दशा प्रकट हुई कि किसे मैं अपना कहूं, जो नजदीक आता था मैं उसे अपना कहता, दूर जाता तो पराया कहता, मगर जब कोई नजदीक आया ही नहीं तो अपना मैं किसे कहूं। वो निर्मोही दशा, ज्ञानी कदापि नहीं चाहता कि कोई मुझ में मोहित हो जाए। सम्मोहित करना ज्ञानी कभी नहीं चाहते, हिप्नोटाइज करना नहीं चाहते, जो भी चाहेगा कि ये सम्मोहित हो जाए वो पाखंडी होगा। कोई ज्ञानी न चाहेगा कि जब तुमने चाहा कि वो मुझ में सम्मोहित हो जाए तब तुम्हारी ये स्वार्थ वृत्ति कि वो अपने में लीन न हो जाए, तुमने उसकी दृष्टि का शोषण किया कि उसकी दृष्टि तुम्हारी ओर जाए, तुमने उसके ध्यान का शोषण किया कि उसका ध्यान तुम में केंद्रित हो जाए। ज्ञानी वह है जो किसी को सम्मोहित करना नहीं चाहता, उसने मुक्ति को जाना, उसने मुक्त रूप से चैतन्य के गगन में मगन होकर के यह जाना कि मुक्ति का आनंद क्या। वो कैसे चाहेगा कि दूसरों को बंधन में मैं रखूं। इसलिए मैं तुम्हें तिलक करके कहता हूं
कि तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर ज्ञान दीपक तुम रहना, यहीं पर रहो ये जरूरी नहीं, तुम तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर तुम रहना, तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर तुम रहना, मगर तुम किसी का भी गुलाम मत होना, तुम अपने में। ये कमजोरी है, इस कमजोरी को तुम दूर करना। प्रति समय ये भावना भाता हूं, ये ध्यान जो तुम्हारा मेरी ओर जा रहा है, वो घड़ी निकट काल में आए कि यहां ध्यान न जाए, यही भावना भाता हूं। उसमें तुम्हारा हित, वरना अनंत बार हुआ समोसरण में गया था, वैभव को देखा था, बाहर से तो सम्मोहित नहीं हुआ, नाटक मंच में वहां पर जो नृत्य होते थे उसमें तो वो न अटका, पर समोसरण में जाकर के भी भौतिक वस्तु को देख करके जो प्रभावित हो गए कि ऐसा वैभव भगवान का, मगर वहीं पर ही अटक गया। भगवान ऐसे, भगवान की वितरागता कैसे, भगवान की वितरागता के कारण भगवान महान है। इतना वैभव उनको मिला, फिर भी उनका ध्यान वैभव की ओर नहीं जाता, इससे भगवान की महिमा बढ़ी, मगर मेरा क्या हो रहा है? भगवान का ध्यान तो किसी और की ओर नहीं गया, पर पदार्थ की ओर नहीं गया, मगर मेरा ध्यान किसकी ओर जा रहा है? ये पर पदार्थ की ओर ही तो जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? ये विचार आते ही परमात्मा से ध्यान हटाओ, और ऐसी ही अनंत शक्ति वाला कि जो अलिप्त होकर के अपने में रहता है, ऐसा ही मैं कि तुरंत ही वहां से डिस्कनेक्ट। नमस्ते। उसे कहते हैं प्रभावित तो होना मिट गए, बस वहां तक जाने के लिए ठीक था, समोसरण तक पहुंचने के लिए ठीक, मगर दूसरों को भक्ति भाव ही ऐसा सहज आता है, वो भी दूसरों को दिखाने के लिए ये नहीं करते। उनका सहज देवों का भक्ति भाव होता है, समोसरण की रचना करके ये नहीं कहना चाहते दूसरों को दिखाकर, देखो कैसे हीरे हैं, कैसे रत्न है, उनको भक्ति का भाव वो सहज आए। ध्यान आकर्षित करने के लिए और वे तो अटक ही गए। व्यवस्था की सब, समोसरण की व्यवस्था करने वाले उसी भव में मोक्ष में नहीं जाते, इसलिए तो वो व्यवस्था स्वर्ग के देवों के हाथ में है, समोसरण की रचना उनके हाथ में, उनमें कहीं तुम मत अटकना। तुम मनुष्य, स्वर्ग के देव वो मनुष्य होने के लिए तरसते हैं, तुम उनमें प्रभावित मत होना, अप्रभावित होकर निर्मोही होकर। एक सम्राट के जीवन की घटना मुझे स्मरण में, बुद्ध के जमाने में ऐसा,
बुद्ध उस सम्राट के राज्य में आने वाले थे। सम्राट को इच्छा हुई कि मैं बुद्ध का स्वागत करने के लिए जाऊं। मंत्रियों से पूछा, बुद्ध अपने राज्य में अपने गांव में आने वाले हैं, मैं सोचता हूं कि मैं उनका स्वागत करने जाऊं, क्या मुझे जाना चाहिए? मंत्रियों ने मना किया कि नहीं, आप सम्राट हो और वो भिक्षुक गांव गांव घूम करके भीख मांग करके भोजन करने वाला, उनका स्वागत करने आप जाओ, ये ठीक नहीं। तब उस सम्राट ने कहा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि जिसे तुम भिक्षुक कहते हो उसके पास मुझसे भी 10 गुनी संपत्ति थी, उसको छोड़ करके बैठा। ये एक समय में मुझसे 10 गुना राज्य उसके पास था। वो त्याग करके बैठा। भोगी महान नहीं, त्यागी महान। भोगियों के नाम नहीं रहते। 100 साल पहले कौन धनपति था उनके नाम नहीं रहते। त्यागी के नाम रहते हैं, 24 तीर्थंकर के नाम रहे। भोगी के नाम नहीं रहते, त्यागियों के नाम रहते। उस जमाने में राजा महाराजा बहुत हुए होंगे, उनके नाम नहीं रहे, मगर त्यागियों के नाम रहे। मगर जिस दृष्टि से मैं देखता हूं, न भोगी के नाम रहते हैं, न त्यागियों के नाम रहते हैं। इसलिए क्योंकि भूतकाल में 24 तीर्थंकर हुए, उसके पहले 24 तीर्थंकर हुए, उसके पहले भी 24 हुए, बताओ उनके नाम क्या थे? त्यागियों के नाम भी इस पृथ्वी पर याद नहीं रहते, न तो भोगियों के रहते हैं, न त्यागियों के रहते हैं। और इसलिए तुम न भोग की ओर ध्यान देना, न त्याग की ओर ध्यान देना। जो भोगता भी नहीं और त्यागता भी नहीं, ऐसा सत्ता मात्र चैतन्य, उसी में तुम स्थिर हो। यही साधक की साधना है, यही निर्मोहीपना है। न वो भोगने जाता है, न वो त्यागने जाता है। वो ठहर गया उसमें जो सदा काल ठहरा। निकट काल में इस तत्व विचार के बल पर एक अपूर्व शांति का तुम्हें अनुभव होगा। फिर कहता हूं, कुछ समय के लिए ही वो अपूर्व शांति वो टिकेगी, मगर उस समय वहां देह कहीं नहीं होगा, नए लोक का अनुभव होगा। जैसे लोक में तुमने कभी प्रवेश ही नहीं किया था, ऐसा तुम्हें अनुभव होगा। सत्य वो न होगा कि उस लोक में तुमने प्रवेश कभी नहीं किया था, सत्य तो ये होगा तुम पाओगे कि तुम अपने को अपने उस लोक में पाओगे कि उस लोक में रहते हुए तुम किसी परलोक की कल्पना में थे। इसलिए अनुभूति होती है तब मैं आत्मा में हूं, ऐसा नहीं, मैं त्रिकाल आत्मा, यही मैं चैतन्य लोक में आज से वास करूंगा। आज मुझे अनुभूति हुई, आज मैं चैतन्य लोक में वास करूंगा, वो अनुभूति नहीं। अनुभूति हुई कि वो पाया कि मैं अनादि अनंत चैतन्य लोक ही, यही मैं। भूतकाल में भी चैतन्य लोक के अलावा तो कहीं गया नहीं, फिर अभी नया आया, ये बात कहां से? यहां पर्याय में ये अनुभव हुआ कि मैं चैतन्य लोक, मगर वो पर्याय मैं नहीं, इसलिए वो अनुभव करता है कि मैं सदा ही चैतन्य लोक।
मैं पर्याय नहीं जिसने ये अनुभव किया। इसलिए मैं अपने लोक में नहीं आया, अपने लोक में पर्याय आई तो आई, मगर मैं तो सदा चाहा हुआ। ऐसी द्रव्य दृष्टि, उसी का नाम सम्यक दृष्टि। पर्याय ने द्रव्य की ओर ध्यान किया, आनंद भोगा। पर्याय ने द्रव्य की ओर ध्यान नहीं दिया, आनंद न भोगा। पर्याय ध्यान करे तो आनंद, पर्याय ध्यान न करे तो आनंद नहीं। पर जो आनंद स्वभाव से ही भरपूर है, जो है वही है। शुरुआत में ऐसा विकल्प हुआ, अभी अनुभूति न हुई, जो आनंद स्वभाव से भरपूर वही है। ये विकल्प होगा आनंद स्वभाव, किसी न किसी तरह से तुम उस विकल्प को बचा कर रखना चाहोगे। विकल्प को टिका कर रखने की जो अंदर की वृत्ति है, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसा जब विकल्प चलता है, वो विकल्प छूटता नहीं है। इसी कारण से, क्योंकि विकल्प को बचा कर रखने का भाव, यदि छोड़ दिया तो काम में नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो काम में आने वाला वही चला गया, वो विकल्प। वो कैसे, तो मैं आपको कहूं तो समझ में आए कि निर्विकल्प, उस चैतन्य के विकल्प से वो सहज निर्विकल्प किस प्रकार से होता है। थोड़ा उसका स्वरूप तुम समझ लो, तब तुम्हारे अंदर का कचरा कहाँ कहाँ तुम्हें अनुभूति में बाधक बनता है, फिर तुम पलाठी लगाकर बैठो या उल्टा सिर करके बैठो, कुछ भी ना होगा। क्या होता है, हाथ में नोट पकड़ कर रखी, नोट छूटती नहीं, छूटती नहीं, क्योंकि तुमने ये माना है कि नोट से कुछ वस्तु मुझे मिलेगी, ये मिठाई मुझे नोट से मिलेगी, ये कपड़े मुझे नोट से मिलेंगे, ये नोट छूटती ही नहीं। यदि नोट ही छूट जाए तो फिर मेरा ये सब क्या होगा, जो कपड़े और भोजन और मकान ये सब क्या, ये नोट ही छूट जाए। इसलिए किसी ना किसी तरह से अंतर में ये वृत्ति पड़ी रहती है कि नॉट बची रहे, नॉट बची रहे, नॉट बची रहे, नॉट बची रहे। और जब तुम चिंतन करते हो कि मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, ये विकल्प चल रहा है, ये विकल्प है, मैं चैतन्य तत्व, और उस समय तुम्हारे अंतर में ये दृढ़ पड़ा है कि भोजन पेट में मिचाता है, कैसे, विकल्प होता है तभी तो जाता है। बिना विकल्प का भोजन पेट में थोड़ी चला जाएगा, बिना विकल्प का धन बैंक से घर में थोड़ी आएगा, विकल्प तो होगा, करना होगा। विकल्प के बिना हम यहां प्रवचन में नहीं आते, विकल्प के बिना हम कुछ बोलते नहीं, विकल्प तो बहुत जरूरी है, वरना यह संसार विकल्प के बिना चलेगा कैसे। और मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, अब ये विकल्प, वो विकल्प मिटना चाहता है, मगर तुम्हें भय पड़ा है कि विकल्प ही नहीं रहेगा तो ये संसार कैसे चलेगा। और वो जो रस पड़ा है विकल्प का, वही ये चैतन्य तत्व में ऐसा विकल्प को मिटने नहीं देता, वरना वो विकल्प से ही निर्विकल्प हो जाता। जब संसार को चलाना ही नहीं, जब इस देह को दाव पर लगाया, जब यहाँ न भोजन न पानी न कुछ खाना पीना, जब मैं अभी निकलने को तैयार, ये पूरा तैयार, इतना दृढ़ हुआ कि फिर वो विकल्प भी मिट गया, क्योंकि विकल्प को टिकने की जरूरत न पड़ी, क्योंकि खाना न पीना न कुछ भी न रहा। ये बात अलग है कि कमजोरी से फिर विकल्प होंगे, मगर जिस समय विकल्प मिटा उस समय इतना दृढ़ निश्चय, विदा होने की तैयारी, इतनी गाढ़ अंदर में वो विकल्प नहीं, तैयारी से ही वो विकल्प है। तुम्हें तो अभी
50 साल क्या, 70 साल, 90 साल भी होने आए, मगर अभी मरना कहाँ है, छूटना कहाँ है। अभी तो समय समय पर पूरा देह का ध्यान तो रखो, देह का ध्यान तो रखो, रखते हो, मगर उस समय कभी एक क्षण ऐसा आया जब अंतरंग में चिंतन इतना गाढ़ हुआ कि इसको दाव पर लगाने के लिए तुम में ऐसा साहस आया, वरना विकल्प छूटता नहीं, वो छूटने का नाम लेता नहीं, वो किसी ना किसी तरह से वो सत्ता टिका कर रखना चाहता है कि मैं रहूं। विकल्प न रहा तो फिर ये सब कैसे टिकेगा। अभी घर में बैठा हूं, अभी रुपये की जरूरत नहीं, मगर घर से तो बाहर निकलना है, तो वहां तो रुपये चाहिए, घर में रुपये नहीं चाहिए, मगर दुकान में जाऊंगा वहां तो रुपये की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये रुपये घर में भी कैसे भी करके बच करके रहे। विकल्प से ही तो ये संसार चलता है, विकल्प ना होगा तो संसार चलेगा कैसे। इसलिए आत्मा में वास करने जब जाता है तब भी वो विकल्प को तो टिका कर रखना चाहता है। अब मुझे बाहर जाना नहीं, तो फिर ये विकल्प भी सहज मिलता है। विकल्प से निर्विकल्प होता है, मोह से निर्मोह होता है, हे ज्ञान दीपक तुम निर्मोही हो, तुम्हें जो ये कहा उसके पीछे बहुत गहरा भाव, जीवन में कभी तुम्हें गुरु भी मिले तो मोहित मत हो जाओ। जब परमात्मा में मोहित होने को तुम्हें मना किया, कोई भी गुरु परमात्मा तुम्हें यह नहीं कहेगा कि मोहित होना, होगे तुम तो भी कहेंगे कि यह कमजोरी है, इस कमजोरी से जल्दी मुक्त हो जाओ। तेरे हित के लिए तुझे यह कहता हूं, अगुआ स्वरूप अप्रभावित, तिथि मारेश उससे मुझे क्या, सामने गुरु मिले, सामने गुरु मिले, मुझे क्या, ऐसा मेरा भाव नहीं, सामने परमात्मा मिले तो भी मुझे क्या, ऐसा मेरा भाव नहीं। जब मैं कहूं कि गुरु भी मिले और परमात्मा भी मिले, उसका भाव बहुत गहरा है, कि जब यहां आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हो और गुरु मिले, जहां आत्मा की यहां पर्याय में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो और मुनि मिले, और जहां आत्मा की पर्याय में वह केवल ज्ञान प्रकट हो और परमात्मा मिले, तो भी मुझे क्या, क्योंकि द्रव्य जो चैतन्य तत्व मैं तो यही हूं, ऐसा द्रव्य का जोर और पर्याय से अप्रभावित होकर के वो रहता, उसी का नाम द्रव्य दृष्टि, उसी का नाम निर्मोही। केवल ज्ञान की पर्याय में अपनापन वह मोह है, अनित्य में अपनापन
वो मिथ्यात्व है। जो नहीं टिकता है उसमें ये मानना कि ये मैं जो क्षण भर में पलटता 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 रहता है, फिर वो केवल ज्ञान भी क्यों ना हो। ऐसी द्रव्य दृष्टि हुए बिना सम्यक दृष्टि होता नहीं, सम्यक दर्शन कभी प्रकट होता नहीं, निर्मल होता नहीं। तुम भगवान से भी प्रभावित मत हो, इस केवल ज्ञान की पर्याय से भी प्रभावित ना हो, ऐसा द्रव्य का जोर पर्याय का ही होगा। जो पर्याय है ना वही ये कहेगी कि ये द्रव्य मैं। पर्याय का जोर होगा मगर पर्याय का जोर पर्याय पर नहीं होगा, पर्याय का जोर पर्याय पर नहीं, पर्याय का जोर वो द्रव्य पर होगा। कार्य पर्याय में होगा और जोर द्रव्य में होगा, ऐसा जोर कार्य और जोर उसकी ओर, दृष्टि का जोर, अटेंशन पूरा वहां पर, कार्य वहां होगा। हाथ पकड़ा, जोर से हाथ पकड़ो, जोर से हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, तो पकड़ा है हाथ तो ध्यान पूरा हाथ पर है, मगर यहां पर ऐसा पकड़ यहां पर है, कार्य यहां हो रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो ऐसा ही है। कार्य यहां ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा ये कार्य यहां हुआ, मगर जब यहां कार्य हुआ तब यहां पर नहीं, यहां पर जो ऐसा पर्याय कार्य पर्याय में, और पर्याय यह स्वीकार करती है कि मैं द्रव्य, मगर जोर पूरा यहां पर, ये ऐसा द्रव्य का जोर। तब वो पर्याय ने ऐसा कुछ देखा, हाय भगवान, आखा जगत नी अंदर हो, हाँ उमराड़ा में ऐसी कोई गाड़ी निकले और एक आदमी गाड़ी को देखे और प्रभावित हो जाए कि ओ गाड़ी कैसी गाड़ी निकली, मगर जो भावनगर जाकर क्या गाड़ी देख कर क्या आया हो, तो उसको तो फिर ऐसी गाड़ी तो मैंने भावनगर में कितनी देखी। अगर भावनगर में जो गाड़ी देखे कोई तो बोले ये तो मुंबई में तो ऐसी बहुत दौड़ती रहती, मगर पूरी पृथ्वी में जो घूम करके आया उसके सामने कोई गाड़ी आए, अरे यार अभी तो इटली जोई, कारण के आज जोई रहे हो उससे बेहतर तो मैंने देख लिए। आप प्रभावित कब नहीं होते, जब उससे बेहतर कुछ देख लिया। अब तीन लोक में सबसे बेहतर नहीं, सबसे बेस्ट चैतन्य परमात्मा, और ये देख लिया अब किससे प्रभावित होगा, सबसे ऊंचा जो था वो तो देख लिया और है आ ये गाड़ी जो है ना जो पूरा गुजरात घुमा है, वो आदमी कहे इस गाड़ी से बेहतर कुछ भी नहीं, तो ऐसा विचार आ सकता है कि ये पूरे गुजरात में घुमा और कहता है कि इस गाड़ी से बेहतर कुछ भी नहीं, मगर पूरे भारत में घुमा हो उसके लिए कुछ और बेहतर हो सकता है, मगर भारत में घूमने वाला कह दे कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं, फिर तो गुजरात वाले की बात कहां रही, उसकी बात में कुछ दम न रहा कि इससे बेहतर कुछ नहीं, वो भारत वाला कह रहा है इससे बेहतर कुछ नहीं। तो जो 10 25 50 100 1000 2000 5000 वस्तु को जानने वाला ऐसा कोई ज्ञानी ये कहता है कि आत्मा से महान कुछ भी नहीं, उसमें इतना दम नहीं, मगर तीन लोक और तीन काल को जानने वाले ये कहते हैं कि आत्मा से महान कुछ नहीं, अब तो कुछ बाकी ही नहीं रहा, किसको पूछने जाना, नहीं तो एक आशा रह जाती कि कुछ और कहीं होगा इससे बेहतर, मगर जिसने सबको जाना और ये जाना इससे महान कुछ नहीं, ऐसा चैतन्य तत्व जब यहां जानने में आता है फिर पर से प्रभावित नहीं होता, वो निर्मोही हो जाता। हे ज्ञान दीपक आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक सुना,
मुझे सत्संग करने का अवसर दिया आप परमात्माओं के निमित्त से। मेरा इतना समय व्यर्थ में न बीता, सत्संग में रहा। आप परमात्माओं ने मेरे लिए प्रत्येक सद्गुरु तुल्य उपकार किया। मैं समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार। आज्ञा